को एक्सीडेंट वाले पैर में लगी एक बार फिर ऋषभ पंत को चोट। बीच मैदान में करा उठे पंत, कुछ ऐसा हुआ जानलेवा हादसा। हलक में फंस गई थी हर एक हिंदुस्तानी की सांस। सूख रहा था रोहित कोहली से लेकर गंभीर का भी गला, तो आखिर ऋषभ पंत के साथ बीच मैदान में ऐसा कौन सा जानलेवा हादसा हुआ कि पूरा हिंदुस्तान हाथ जोड़कर इस खिलाड़ी की सलामती की दुआ मांगने लगा। उस दिल दहला देने वाले मोमेंट का पूरा वीडियो तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि ऋषभ पंत जल्द से जल्द फिट होकर मैदान में वापसी करें तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला टेस्ट मैच आखिर दूसरे दिन शुरू हुआ, क्योंकि पहले दिन मूसलाधार बारिश ने आकर मैच को प्रारंभ नहीं होने दिया। लेकिन दूसरे दिन जब दोनों टीमें आमने सामने हुई तो कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और न्यूजीलैंड को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। लेकिन रोहित शर्मा के लिए यह फैसला बेहद ही खतरनाक साबित हुआ। पूरी टीम 46 रनों पर ऑल आउट हो गई। इसके बाद जवाब में न्यूजीलैंड की टीम बल्लेबाजी करने आई, उनके खिलाड़ियों ने भी टीम को बेहतरीन शुरुआत दिलाई। भारतीय गेंदबाजों की जमकर कुटाई कर रहे थे, लेकिन जडेजा और कुलदीप ने टीम इंडिया को 2 विकेट निकाल कर दे दिए थे। 37 ओवर में न्यूजीलैंड 143 रन बना चुकी थी। तभी बीच मैदान में हुआ एक ऐसा हादसा जिसे देखकर तो हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए। जी हां, स्टंप के पीछे खड़े ऋषभ पंत अचानक बीच मैदान में गिर गए। ये नजारा देखकर तो हर किसी की आंखें फटी की फटी रह गई। शायद एक्सीडेंट वाले पैर पर ऋषभ पंत को चोट लग गई, जिसके कारण वो खड़े तक नहीं हो पाए। और फिर आनन फानन में डॉक्टर को ग्राउंड में बुलाया गया। काफी देर तक ग्राउंड में ऋषभ पंत का इलाज चला, लेकिन वो ठीक नहीं हो सके। उन्हें काफी दर्द हो रहा था, वो चीख चिल्ला रहे थे। ऋषभ पंत की हालत देखकर रोहित शर्मा, विराट कोहली से लेकर गौतम गंभीर का गला सूख चुका था। हर कोई परेशान हो गया था, लेकिन ऋषभ पंत अभी भी ठीक नहीं थे। इसके बाद एम्पायर और डॉक्टर ने मिलकर डिसीजन लिया कि तुरंत ऋषभ पंत को अस्पताल लेकर जाना होगा, जिसके कारण ऋषभ पंत मैदान छोड़कर ड्रेसिंग रूम में चले गए और उन्हें डॉक्टर की निगरानी में रखा गया। डॉक्टर ऋषभ पंत का इलाज कर रहे थे। आज जल्द ही जल्द उन्होंने ठीक करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अभी तक ये पूरी तरह से समझ नहीं आया कि आखिर ऋषभ पंत को हुआ क्या, कैसे चोट लगी है, लेकिन वो दर्द में दिखाई दे रहे थे, जिसके कारण उन्हें मैदान छोड़कर बाहर जाना पड़ा। डॉक्टर उनका पूरी तरह से इलाज कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि क्या ऋषभ पंत दोबारा रिकवरी करके मैदान में खेलने के लिए नजर आएंगे या नहीं। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, ऋषभ पंत दोबारा रिकवरी करके मैदान में वापसी कर पाएंगे या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।